वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बुक फेयर के ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में पूरा वीडियो देखा, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी थी, तो मैं इसको मल्टीपल पार्ट में लेके आया। ये सेकेंड पार्ट है, इस पार्ट में मैंने कोशिश करी है पूरा ख़त्म करने की। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अराउंड एक घंटे की हो चुकी है, तो देखिएगा इस वीडियो को। मैं चाहता हूँ बोर ना हो, मैंने थोड़ा फास्ट भी करके कर दिया है बीच में, आप स्किप करके देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। वीडियो के एंड में एक थिएटर सॉन्ग है जो मैंने स्टार्टिंग में डाला हुआ है ताकि आप वीडियो में बने रहें, तो एंजॉय करिए। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है, जितने भी बुक पब्लिशर हैं उन्होंने अपना बाहर स्टॉल लगाया हुआ है, तो बाहर से मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया है। अंदर जाके मैंने नहीं दिखाया आपको, अगर मैं अंदर जाके दिखाता तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। हाँ, जो मुझे अच्छा लगा मैंने उसका अंदर जाके आपको बुकें वगैरह भी दिखाई हुई है, तो वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मज़ा आने वाला है इसमें। और ये बुक स्टॉल लगा हुआ है 25 फरवरी से 5-5 के बीच में, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए एक बार, आपको मज़ा आएगा। हाँ, ये पब्लिशर की क्या किसी को करवानी है एटॉमिक है। Thank you.
भाई ये बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता एक बार में हो पाएगा, या तो फिर बार बार का पब्लिकेशन लेना पड़ेगा हमें सारा, जैसे और ऑरेंज बुक पब्लिकेशन, पेन डाउन प्रेस, बियॉन्ड बुक पब्लिकेशन, ये सारा। डेकोरेशन बीमार कर Thank you.
तो ये बुक और एक ये बुक और एक ये रमनजीत एपिक डायमेंशन है Thank you.
हेलो, ये अगली अगली रो है ना, उसी में आ जा। अगली जो रो है ना, अगली वाली पीछे वाली रो, उसमें आ जा। जहाँ सुन सुन, जहाँ तो रुका था ना, जहाँ तो रुका था उससे सीधे आ पहले, जब हम बाहर की तरफ डाले थे ना। हाँ हाँ, वो गेट कौन सा है, वो वाला है ना, पल्लवी करके कोई हुआ। हाँ, थीम पवेलियन, उससे थोड़ा सा आगे आ नेक्स्ट। तो हाँ हाँ, थीम पवेलियन से आगे है, आगे वाली रूम है, आगे वाली रो जो जा रही है, कॉलम जो जा रही है। थीम पवेलियन में मत घुस, वहीं खड़ा रहा, मैं देख लिया तुम। Thank you.
Thank you.
इसमें इन्होंने जो किताब में दर्शाया गया है उसमें कई वेरिएंट्स हैं, जैसे कि जो रूसी हैं, जो रूसी लोग हैं वो उनकी सोसाइटी में, और इन्होंने जो चाइना में लोगों का बताया है, लेकिन ये जो है रूसी सोसाइटी का Например, очень многие считают, что у нас, причем эти знаки среди всего в европейской части России, и чем ближе к настоящему Китаю, чем дальше от Москвы, тем эти страхи меньше, потому что там действительно на Дальнем Востоке, Thank you.
नर्वस हो गया था यार। नहीं ऐसी छूट गई थी, हंसना नहीं चाह रहा तुझे, तेरे तो रायता है यार। फिर पता है इसमें क्या रहेगा, जैसे हम ना वैसे भी कर सकते हैं वीडियो बना सकते हैं, इंट्रो लेते हुए बस हमने वो कैमरा तूने काम खराब, तूने बेइज्जती करवा दी यार। अरे यार तुझे कुछ करना तो करना चाहे ना, मतलब तेरा कैमरा ऐसे लग जाएगा बिना किसी के इंट्रो को। आगे चलें या छोड़ें यार, इसके तीन चार वीडियो बनेंगे मुझे लग रहा है, लंबी लंबी क्रॉप मार लियो ना। मुझे वीडियो क्रॉप करना अच्छा नहीं लगता। Thank you.
पैसा नहीं है। तो फाइनली वो हम बुक फेयर के अंदर से घूम के आ चुके हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है हमारी। सारी किताबें पढ़ डाली, सब किताबें पढ़ डाली, अब बस पर हमने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत हालत। अब खाने के लिए ढूंढते हैं, यहीं बैठ जाएंगे खाना लेके। अब खाने के लिए फूड वगैरह देख रहे हैं कहाँ है, यहाँ कुछ मिल रहा है खाने के लिए, चलो देखते हैं। देख रहे हैं बहुत कुछ तो बना रखे हैं खाने पीने का। खाने पीने का स्टॉल लगा रखा है यहाँ पर, क्या वाव में ट्राई करेगा, कहाँ ट्राई डोमिनोज है। तेरा टकला जरूर बीच में आना है। Okay.
पे देखो ऊपर भी है। हाँ तो है ना ऊपर जाने के लिए। तो ये बुक फेयर आज हमने ख़त्म कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। खाना हमारा हो चुका है, अब हम सीधा घर के लिए निकल रहे हैं और ये अच्छा खासा क्राउड आया हुआ है। तो पूरा बुक फेयर घूम लिया है हमने, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है। और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं कि खाना पीना भी हो गया है हमारा। और ये बुक फेयर मॉर्निंग में 11 से 8 तक होता है, यानी 8 बजे तक पूरा ओपन है, 8 बजे तक आप आराम से घूम सकते हैं। और 20 रुपये का टिकट है, टिकट के लिए आपको प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगा। और चलो थिएटर की साइड चलते हैं, थिएटर भी चल रहा है। क्यों हर एक न हर मुझे तुझे हर एक मिलना हर एक
मिल के बढ़े आग के, जिस तरह चराग से जला करे चराग, ऐसे चलो देश तेरा मेरा प्यार से, मिल के चलो मिल के चलो वक्त की आवाज है मिलके चलो। ये समूह गीत आपके सामने हमारे प्रभाग के कलाकारों ने प्रस्तुत किया, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया है। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं या थोड़ा सा ब्रेक करके आपको कुछ दूसरा संगीत भी सुनाया जाए, क्योंकि गाना आप लगातार सुन रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं और उनके वादक भी हमारे यहाँ पर बहुत देश विदेश की ख्याति नाम कर हमारे यहाँ हमारे बीच हैं, श्री लोकेश आनंद जी, साथ में तो गाइस यहाँ पर हमारी जर्नी कंप्लीट होती है पूरी वो नेशनल बुक फेयर की। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, मैंने पूरा जितना ही बुक फेयर था वो सारा कवर कर दिया ग्राउंड लेवल पर, वो सारा ख़त्म करने के बाद मैंने आपको पूरी वीडियो दिखा दी है, आपने एंजॉय करा होगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है मैं जानता हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको फिर से मिलूँगा अगली वीडियो में। गाइस फिर से आपका धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए ताकि मैं और ऐसे कंटेंट आपको लाता